उत्तराखंड सरकार अब जल्द ही प्रदेश में सौर ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल और सौर ऊर्जा के सेक्टर में निवेश के लिए बड़ी तैयारी में है। दरअसल मौजूदा समय में प्रदेश में संचालित सौर ऊर्जा के निजी बड़ी यूनिट से सीधे UPCL बिजली बेचने के लिए व्यवस्था नहीं जुटा पा रहा है, जबकि बड़े उद्योग धंधे से जुड़े ऐसे कारखाना संचालक जो कि अपनी सौर ऊर्जा इकाई स्थापित कर बिजली स्वयं ही इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए भी व्यवस्था नहीं बन पा रही है। वहीं सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया है कि जल्द ही कैबिनेट में एक निजी एजेंसी के माध्यम से एक प्रस्ताव तैयार कर लाया जाएगा। इसके माध्यम से सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलने के साथ ही इसे रोजगार के रूप में और बिजली की किल्लत में अधिक आपूर्ति के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। जो पॉलिसी है ये पॉलिसी इंटरनली उरेडा के द्वारा प्रिपेयर की गई है और उरेडा के द्वारा ही समय समय पर संशोधन भी प्रस्तावित किए गए हैं। इस बार पॉलिसी में थोड़ा फ्रेश थिंकिंग लाने के लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर CEEW, इनको एंगेज किया हुआ है। ये सरकार से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं और इन्होंने 3-4 स्टेट की पॉलिसी बनाया है, हमारे लिए पॉलिसी बनाएंगे। तो ये ड्राफ्ट पॉलिसी जैसे हमारे पास आ जाएंगे तो ड्राफ्ट पॉलिसी को हम लोग पब्लिश करेंगे, उसमें स्टेक होल्डर्स की ओपिनियन भी इन्वाइट करेंगे, एक फॉर्मल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन वर्कशॉप भी होगा, उसके बाद हम इसको विधिवत माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष विचारार्थ रखेंगे। तो इस पॉलिसी में जो आप कह रहे हैं कि कई सारे लोगों को सोलर के फील्ड में नहीं आने के पीछे ये भी कारण होगा कि चूँकि UPCL एक सोल प्रोक्योरमेंट एजेंसी है और वो क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को देखते हुए प्रोक्योरमेंट डिसीजन लेते हैं। अगर कोई छोटा प्रोजेक्ट है और जिसमें कम उत्पादन हो रहा है तो उसके साथ नॉर्मली PPA नहीं होता है। तो ये सब जो परेशानियां हो रही है इन सबको एड्रेस करने के लिए हम लोग इसको बनाएंगे ताकि हमारी जो सोलर में जो रुचि है जिनको भी, तो वो सेक्टर ओपन हो जाए और जितने लोगों को रुचि है वो आगे आकर के सोलर एनर्जी चाहे रूफटॉप में हो, चाहे ऑन ग्राउंड हो या वाटर बॉडीज के ऊपर हो, तो इन सब में आगे आ जाए। फिलहाल प्रस्ताव आने के बाद और सौर ऊर्जा को बढ़ावा होगा, साथ ही बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसके लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। पंजाब केसरी TV के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।